हेलो दोस्तों, हिंदी एनवाई टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने फोटो का 3D वॉलपेपर बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके फोटो का भी आप 3D वॉलपेपर बनाकर अपने मोबाइल पर सेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वॉलपेपर आप अपने मोबाइल पर सेट कर देंगे तो आपके दोस्त भी देखकर चौंक जाएंगे और आपसे एक बार ज़रूर पूछेंगे, भाई तूने अपने फोटो का 3D वॉलपेपर कैसे बनाया है। तो अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके बाद दोस्तों आपको एक कमेंट कर देना है, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे ओपन करने के बाद आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है और परमिशन को अलाउ कर देना है। इसके बाद आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे, आपको सेट फोटो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी 6 फोटो सेट कर लेना है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से गैलरी को सेलेक्ट कर लेना है और जो भी फोटो आप सेट करना चाहते हैं उस फोटो को यहाँ पर आपको सेट कर लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, यहां पर इस तरह से आप सेट कर सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैं इसे सेट कर देता हूं। ठीक है, ये सेट हो चुकी है। इस तरह से यहां पर आपको 6 फोटो सेट कर देना है जो कि मैंने पहले से सेट कर रखा है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहां से आपको बैक आना है, इसके बाद आपको सेट बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको कई सारे बैकग्राउंड देखने के लिए मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद है आपको एक बार उस पर क्लिक करना है तो वो सेट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको बैक आना है। अब दोस्तों यहां पर आपको सेट वॉलपेपर पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरे फोटो का 3D वॉलपेपर बन चुका है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब इसे आप सेट कर सकते हैं यहां पर क्लिक करके अपने मोबाइल की लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन पर। आप चाहे तो सिर्फ होम स्क्रीन पर इसे सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सेट हो चुका है, आप देखेंगे काफी कमाल का लग रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। Thank you.